पिछले क्लास में हम ये देखे थे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है। आज हमारा इकोलॉजी का तीसरा लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। तो ज़रा पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। द डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट्स यूनिटी। इसका मीनिंग आप देखें, स्ट्रेटिफिकेशन में हम किसी प्लांट के डिफरेंट ग्रोथ को पढ़ेंगे। डिफरेंट ग्रोथ का मतलब उसमें किस तरह से ग्रोथ होता है, उसके डेवलपमेंट को यदि हम पढ़ें तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे आप किसी फॉरेस्ट में देख सकते हैं, सबसे छोटे आपको सबसे पहले यदि जंगल में जाना स्टार्ट करेंगे, किसी फॉरेस्ट में जाना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले छोटे प्लांट्स मिलेंगे जिसको हर्ब्स बोलेंगे, फिर उससे बड़े मिलेंगे अंडर सर्ब्स, फिर उससे बड़े मिलेंगे सर्ब्स, और अंत में जाकर आपको ट्री मिलेगा जो एक फॉरेस्ट में चेंज हो जाएगा। फिर देखिए स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, ये जो होता है ना, देखिए लिखा हुआ है डिफरेंट, ये स्ट्रेटिफिकेशन इज़ द बेस्ड ऑन द मोड ऑफ अरेंजमेंट। जरा देखिए स्ट्रेटिफिकेशन को हम मोड ऑफ अरेंजमेंट के बारे मतलब बेस पे भी बता सकते हैं। जैसे वहाँ पे देखिए, अभी आपको तुरंत बताए थे, जंगल में पहले जाएँ तो छोटे प्लांट्स, फिर उससे बड़े प्लांट्स, फिर उससे बड़े प्लांट्स, और लास्ट में ट्रीज मिलते हैं। कुल मिला के यही तो है, स्ट्रेटिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस फॉर्म्स। अब चलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, तो हमारे चैप्टर में क्लास 12 के चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ने हैं, स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्री एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक। तो यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक की बात करें, तो देखिए स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक में कैसे करेंगे। तो जैसे आप मानिए ये आपका कोई पौंड है, ये कोई आपका तालाब वाला एरिया है, इसमें सनलाइट के प्रजेंस के बेस पे इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तीन पार्ट कैसे जरा आप सोच सकते हैं, तो लेक का वो एरिया जहाँ का, जैसे वो लेक का वो एरिया जो सॉइल को अटैच करता है, उस रीजन का नाम देते हैं लिटोरल जोन। फिर देखें लेक का वो एरिया जहाँ पे एकदम पानी रहता है, फ्रेश वाटर रहते हैं, पानी वाला जो रीजन रहता है जहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा आता है, उसका नाम देते हैं लिमनेटिक जोन। और तीसरा जोन आता है जहाँ पे सनलाइट सबसे कम आता है, उसका नाम देते हैं प्रोफंडल जोन। तो आइए यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक में पढ़ते हैं। इन द डीप लेक जोनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन मे बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट। जरा देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं लेक में यदि आप स्ट्रेटिफिकेशन करें तो किस बेस पे कर सकते हैं, लाइट के एबंडेंसी के बेस पे, यानी लाइट वहाँ पे कितना है उस बेस पे आप लेक में स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जोन। यहाँ पे हम देखें लेक के अंदर कितने टाइप के जोन मिलते हैं, तीन टाइप के। अभी तुरंत हम आपको बताएं कौन कौन सा। सबसे पहला देखेंगे लिटोरल जोन, दूसरा बात करेंगे लिमनेटिक जोन, और तीसरा बात करेंगे प्रोफंडल जोन। आइए लिटोरल जोन की बात करते हैं। दिस जोन इज़ फाउंड एट बैंक ऑफ लेक। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत आपको बताया थे डायग्राम में, जरा देखें यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा लेक का ये सबसे पहला हिस्सा है, और ये जो है यहाँ सॉइल से अटैच कर रहा है, यानी नदी के किनारे वाला सबसे किनारा साइड वाला जो एरिया होता है इसका नाम देते हैं लिटोरल जोन। आप जरा सोचिए यहाँ कोई यदि वेजिटेशन मिल रहे हैं, यहाँ कोई प्लांट मिल रहे हैं, तो सर इसका रूट तो ज़रूर होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलेंगे वो कैसे वेजिटेशन मिलेंगे, तो आप देखेंगे रूटेड वेजिटेशन। यहाँ पे जो भी प्लांट्स मिलेंगे वो रूटेड टाइप का। यहाँ से ये फेमस क्वेश्चन बनता है, आप ज़रा ये बताइए लिटोरल जोन होता कहाँ है, तो किनारा वाला रीजन। यहाँ का पानी कैसा होता है, तो थोड़ा नहीं गंदा टाइप का होता है, तो सॉलिड वाटर। फिर यहाँ पे बात करते हैं दलदली वाला क्षेत्र रहता है, दलदली जैसा, इसलिए हम यहाँ पे मार्सी लैंड भी इसको कह देते हैं। लिटोरल जोन के लिए हमें कुल चार पॉइंट याद रखने पड़े। सर ये नदी के किनारे वाला, पौंड का किनारे वाला एरिया है, यहाँ का पानी गंदा होता है, और यहाँ पर मॉर्सी जैसा कुछ रीजन होता है, और यहाँ पर वेजिटेशन जो मिलते हैं रूटेड वाले मिलते हैं। फिर यहाँ पे लिमनेटिक जोन की बात करें, दिस इज़ द जोन ऑफ लेक वाटर। अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे, ये लेक वाटर यानी हम बोलें तो ये लेक के वाटर का रीज़न है, और यहाँ पे देखिएगा लाइट सबसे ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट में यहाँ पे लाइट प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे बात करें जनरली यहाँ पे जो प्लांट वेजिटेशन मिलेंगे, इसका मतलब ये है, देखिए लिटोरल लिमनेटिक जोन की बात करें, ये देखिए डीप की बात कर रहा है क्या, नहीं,
ना ही साइड की ना ही डीप की, यहाँ पर जो है लेक का जो फ्रेश वाटर वाला रीजन होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलेंगे, और ख़ास करके यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलेंगे, यहाँ पे जो प्लांट्स की कम्युनिटी मिलेंगी वो आपको फाइटोप्लैंकटन टाइप मिलेगा। फाइटोज का मतलब प्लांट्स और प्लैंकटॉन्स का मतलब क्या, फ्लोट करने वाला। यहाँ पर जो प्लांट मिलेंगे खास करके इस रीजन में जो मिलेंगे फ्लोटिंग प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंकटॉन मिलेंगे। फिर कुछ जो है ना सबमर्ज्ड प्लांट मिलेंगे, इस तरह के आपको वेजिटेशन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सस्पेंडेड और सबमर्ज्ड टाइप के। ज़रा देखते हैं तीसरा रीजन की बात करें, प्रोफंडल जोन, ज़रा यहाँ पे सीखिए। प्रोफंडल जोन के लिए आपको बताया गया ये जोन में सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो सारे के सारे हेटरोट्रॉप्स रहेंगे, यहाँ पे एक भी ऑटोट्रॉप्स नहीं मिलेंगे। ज़रा देखिए, दिस इज़ वेरी डीप, अंडरलाइन करेंगे, ये वाला जो एरिया है सबसे डीप वाला एरिया है, और यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाता है, लाइट डज नॉट रीच्ड। और यहाँ पर का जो है सबसे निचला हिस्सा है बॉटम वाला, और तीसरी बात यहाँ जो है सारे के सारे कैसे हैं, हेटरोट्रॉपिक वेजिटेशन मिल रहे हैं। तो ये आप देख लिए, एक बार क्विक देख लीजिएगा, स्ट्रेटिफिकेशन हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ग्रोथ के बेस पे डिटरमाइन कर रहे हैं। स्ट्रेटिफिकेशन हम लेक में और वाटर में पढ़ेंगे, यहाँ पे पहले लेक पढ़ा रहे हैं। तो इसमें लेक में हम सनलाइट के नीडेड के बेस पे इसको डिवाइड किए हैं, कितने पार्ट में, तीन, लिटोरल, लिमनेटिक और प्रोफंडल। लिटोरल की बात करें, साइड वाला रीजन है, मॉर्सी एरिया होता है और यहाँ का पानी गंदे होते हैं। यहाँ पे हम बात करें जो भी वेजिटेशन मिलेंगे रूटेड टाइप के मिलेंगे। फिर आया लिमनेटिक, यहाँ पे मेनली लेक वाटर का रीजन होता है, यहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा सफिशियंट अमाउंट में मिलता है और ये ज़्यादा डीप नहीं होता है। फिर बात करें यहाँ के वेजिटेशन फ्लोटिंग मिलते हैं, सस्पेंडेड मिलते हैं और सबमर्ज टाइप के मिलते हैं। प्रोफंडल जोन ये सबसे डीप वाला एरिया है, यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचते हैं, और यहाँ पे देखें सारे वेजिटेशन मिलते हैं, कैसे वाले, तो हेटरोट्रॉप्स वाले। अभी तुरंत हम पढ़े थे स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, अब हमें तुरंत पढ़ना है स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्री। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं द क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इन वेरियस ग्रोथ फॉर्म ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट ऑन एनी डेंस फॉरेस्ट। आप देखें किसी भी घने फॉरेस्ट में चले जाएं तो लाइट के नीड के बेस पे प्लांट को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप वो प्लांट्स देख सकते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड के साथ चिपक के चलता है, बिल्कुल सरफेस पे जो रहता है, तो नाम देते हैं सरफेस डिवेलर्स। फिर बात करें इससे जो थोड़ा बड़ा प्लांट होता है जिसको थोड़ा सनलाइट की नीडेड होती है, उसका नाम देते हैं हर्ब्स। उससे भी ज़्यादा डेवलप प्लांट होते हैं अंडर सर्व्स, फिर सर्व्स और लास्ट में आपको ट्री। तो आप देखें सबसे बड़े प्लांट ये होते हैं, इसके नीचे ये, ये, ये और ये। इस तरह से आप देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे क्लियर क्लासिफिकेशन आपको कहाँ मिल सकता है, सॉरी सबसे क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। तो आप कह सकते हैं सबसे क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन आपको मिल सकता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, और इसलिए इसका नाम देते हैं मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट। आप ज़रा देखिएगा यहाँ से एक ज़रा रेकरिंग टाइप कुछ बना है, तो यहाँ से देखिए आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखें तो आपको क्लियर कट दिख सकता है एक वर्टिकल अरेंजमेंट ये सारे प्लांट्स का। तो स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा पॉइंट था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।